रात 2:30 बजे एक ऐसा वाकया सुनने में आया कि जिसने सच पूछे तो जिसको सुनकर रूह कांप गई, दिल दहल गया और सारी रात कोई सो नहीं सका। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत और इतना जबर, ये तो शायद उस दौर में भी नहीं था कि जब जो है हम हिंदुस्तान के बासी थे, जब हम वहां पर जिंदगियां गुजार रहे थे और हमारे आबाओ अजदाद जो हैं उन्होंने जंगे आजादी लड़ी थी, तब भी शायद ऐसे हालात और ऐसी बर्बरियत नहीं थी जो आज अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के साथ बढ़ती जा रही है। मोहसिन लगारी साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे एक्स, उनके साथ जिस तरह का जुल्म किया गया, जिस तरह की उनके बेटे के साथ जो है उसको तशद्दुद किया गया उसके साथ, और जबरन उनसे पार्टी को छुड़वाने के लिए उनके बेटे को जो है अगवा करके, 18 साल के बेटे को अगवा करके और उनको मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ें। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खैराबाद कहेंगे तो उनके बेटे को जो है छोड़ा जाएगा। कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक बाप के उसके सामने उसके बेटे पर इतना जुल्म और सितम ढाया जा रहा हो और वो जो है वो सह जाए। पहले वो सहते रहे लेकिन फिर बाकायदा उनको धमकियां दी गई, उनको इस चीज पर मनवाया गया कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ेगी तभी उनके बेटे को जो है छोड़ा जाएगा। कब तक हम ये जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या अपना मुल्क, क्या कोई जो है कानून नहीं है, क्या कोई जो है हुकूक नहीं है किसी के? ह्यूमन वायलेशंस जो हैं वो बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं। इस वक्त का अंधा कानून है, वो जिसे कहते हैं ना कि जंगल का कानून यहां पर चल रहा है, कोई महफूज नहीं है यहां पर। कब तक हम ये जुल्म और सितम सहेंगे? हमारी दरखास्त है, हम गुजारिश करते हैं अपनी ऑनरेबल अधलिया से कि प्लीज जंप इन चीजों पर, नोटिस लीजिए, इन चीजों को हल कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। क्या मोहसिन लगारी साहब का सिर्फ इतना कसूर है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करते थे? क्या उनका ये कसूर है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग लड़ना चाहते थे इसलिए उन पर यह जुल्म सितम किया गया? हम भरपूर मजम्मत करते हैं इस चीज की और हम डिमांड करते हैं कि इस तरह से अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों पर मजीद जुल्म और जबर किया गया तो फिर हम कानूनी चारा गोई जो हमसे हो सकी वो हम करेंगे। खुदारा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मजबूर मत करें कि वो बगावत पे उतर आए। खुदारा रहम करें इस मुल्क पर और इस मुल्क के लोगों पर। ये लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, ये लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ चलता रहा तो शायद उस तरह से ना वो इज्जत बाकी रहेगी, ना वो हमदर्दी बाकी रहेगी और ना वो मोहब्बत बाकी रहेगी।